दोस्तों अगर आप भी हार्दिक को रोहित से बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों बीसीसीआई दौरे के लिए हार्दिक को बनाया कप्तान तो हार्दिक ने बदल डाली पूरी टीम, कर दिए ऐसे बड़े बदलाव जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब हार्दिक की कप्तानी में किसकी होगी टीम में एंट्री और किसको दिखाया पांड्या ने बाहर का रास्ता, आपको पूरी टीम दिखाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि हार्दिक की प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को कहां जगह मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पांड्या को वनडे का कप्तान बनाना चाहिए रोहित की जगह? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वर्ल्ड कप 2022 के बाद एक और सीरीज खत्म हो चुकी है। एक में भारतीय टीम को जीत मिली तो दूसरी में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन साल 2022 का अंत होने में अभी भी एक महीना बाकी है और इस एक महीने में भारतीय टीम की अग्नि परीक्षा होनी बाकी है और ये परीक्षा उसी फॉर्मेट में होनी है जहां वर्ल्ड कप खेला जाना है। और दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम में वो हर एक बदलाव किया जा रहा है जो अगले साल के वर्ल्ड कप को अपने नाम करने में मदद करेगा। तो दोस्तों सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि शायद बीसीसीआई वनडे का कप्तान भी चेंज कर सकता है और शायद पांड्या को वनडे की कमान सौंपने का मन बना लिया है। और यदि ऐसा होता है तो इसकी शुरुआत हो जाएगी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाएगा पांड्या का वनडे कप्तानी का अध्याय। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन दोस्तों पांड्या का कमबैक बड़े जोरों शोरों से हुआ है। अब तो दोस्तों पांड्या ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है, तो हार्दिक की प्लेइंग 11 कैसी नजर आएगी, किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी और किसको बाहर का रास्ता, आपको चलिए बताते हैं। वैसे तो दोस्तों बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम के पास काफी बल्लेबाजों के विकल्प है, लेकिन दोस्तों सलामी जोड़ी के लिए कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों रोहित ही सलामी जोड़ी को संभालेंगे, वो भी शिखर धवन के साथ। वनडे में केएल राहुल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन धवन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास न सिर्फ बहुत सारे शतक हैं, बल्कि वनडे में उनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। इसीलिए धवन और रोहित ही भारतीय टीम की सलामी जोड़ी का जिम्मा संभालेगी। अब दोस्तों मध्य क्रम की बात करें तो सूर्या को टीम में जगह नहीं मिली है, इसीलिए दोस्तों विराट कोहली, अय्यर, ईशान किशन और खुद हार्दिक पांड्या मिडल ऑर्डर को संभालते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों ऑलराउंडर की बात करें तो वंशीकटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी उम्दा खेल दिखाया है और यही उम्दा खेल फिर से देखना चाहेंगे हार्दिक अपनी कप्तानी में। लेकिन दोस्तों एक और ऑलराउंडर को भारतीय टीम में जगह मिल सकती है जिसका नाम है अक्षर पटेल। तो दोस्तों वही तेज गेंदबाजी का जिम्मा रहेगा मोहम्मद शमी, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के हाथों में। और दोस्तों शायद हार्दिक की कप्तानी भारतीय टीम के लिए लक्की भी है। जब हार्दिक को कप्तानी मिली है उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई है। तो आप सबको क्या लगता है, हार्दिक को कप्तान बनना चाहिए रोहित की जगह या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।